नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल फर्नीचर में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ड्रावर का जो मत्था रहता है, यानी कि ड्रावर का जो मोड़ी रहता है, वो आप कैसे सेट कर सकते हैं। सरल से सरल आसान तरीका में आप कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको टेंडम बॉक्स का मोड़ी सेट करना है तो बहुत ही आसान है। वो किस लिए? क्योंकि उसमें जो फिटिंग दिया रहता है वो एक मेजरमेंट पे सेट रहता है, और अपना जो ड्रावर का मोड़ी रहता है वो मेजरमेंट पे बराबर से सेट नहीं रहता है। कई बार जो क्रॉस भी रहता है तो उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत सारे कारपेंटर भाई को बराबर से आप मेजरमेंट नहीं करेंगे तो आप उसको अच्छा से सेट नहीं कर पाएंगे, और सेट करने के बाद जो है दोस्तों, एक बार सेट कर दिए तो ना उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पर भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि एक बार में जो है आप आराम से आंख बंद करके सेट भी कर पाएंगे, और कभी भी आप अगर उसको थोड़ा सा मिस्टेक भी आप कर दिए, आधा सूत इधर उधर भी करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेलिंग के साथ में बताएंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये देखिए हमारे पास दो ड्रावर का मोड़ी है, आप देख सकते हैं। इसको जो हम सेट करने का तरीका आपको बताते हैं कि कैसे सेट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ना आपके पास जो है, ये हम लोगों का ड्रावर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ड्रावर्स है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये जितना भी अपना मोड़ी आता है मेजरमेंट करते हैं नीचे के हिसाब से, उसके हिसाब से सेट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा सेट नहीं करना है। आपको कैसे सेट करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, काम तो जब हम वीडियो बनाते हैं वो एक ही मिनट का रहता है, दो ही मिनट का रहता है जानकारी का, लेकिन बोल देते हैं हम उसमें ज़्यादा, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ दोस्तों, बोलेंगे आपको अच्छा से बताएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, डायरेक्टली काम पे बताएंगे तो काम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो दिक्कत हो जाता है, जैसे कि दिक्कत आ जाता है काम करने के बाद में, उसको कैसे आप सही कर पाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो लास्ट तक देखिए। ये देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये अपना ड्रावर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइड से जहाँ पे भी आपको स्क्रू मारना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रू मारेंगे, तो आपको ना यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेना। देखिए, हम यहाँ से 3.5 इंच मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको स्क्रू मारना है, तो यहाँ पे जो है 12.75 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, और जो है दोस्तों इसको हम बिल्कुल काट कोने में मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो गुनिया है अपना, उससे हम मार्किंग कर लेते हैं, अभी आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे भी इसको मार्किंग कर लेते हैं हम। ये देखिए, हो चुका। अब आपको ना दोस्तों, इसको हाइट में जितना भी आपको चाहिए, तो हम लोग ऊपर से इसके सेंटर में बिल्कुल जो है, आपको एक बार नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, अब ऊपर से थोड़ा सा हम इसको सेंटर में बिल्कुल होल्स कर देंगे। तो ये देखिए, हम लोग 4.5 इंच और ये 4.5 इंच यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया। अब आपको 6 mm का जो आपका बिट रहता है, आप देखेंगे मेरे पास जो ये 6 mm का बिट है, तो इससे जो है हम होल कर देंगे, एक फ्री होल। इससे होगा क्या, अब जब अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें होल्स करेंगे ना, तो जब आप अपना मोड़ी फिट करेंगे तो बिल्कुल जो है आराम से फिक्स कर पाएंगे। क्योंकि ये जो ड्रावर्स रहता है, इस तरफ उस तरफ अगर जाता है, तो आप जब होल का बिल्कुल सेंटर मार्किंग पकड़ के करेंगे तो अच्छा से कर पाएंगे, और आँख बंद करके कर लेंगे। कभी भी सेट करना है, कहीं पर भी सेट करना है। अब देखिए, इसको होल हम कर देते हैं इसको ऐप पे, तो ये देखिए ये हो गया, और यहाँ पर भी कर देते हैं हम। दो होल हम लोगों को मेजरमेंट में करना है, जैसे कि आपको बताएं यहाँ से मेजरमेंट की, यहाँ से तीसरा वाला जो आपको बीच में करना है, आप किसी भी आधार से कर सकते हैं। हम यहीं पे ऐसे चाहे जैसे कर लेते हैं। देखिए, ये हम कर लिए। उसके बाद दोस्तों, अपना जो आप मोड़ी जो रहता है, जैसे कि हम आपको बताए हैं, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। साइड से हम लोगों को बराबर रखना है यहाँ से, लेकिन देखिए दोस्तों, इस तरफ से हम लोगों को लेवल रखना है। तो यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, ये 3.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3.5 इंच मार्किंग करेंगे, जैसे कि आपको नीचे दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये 3.5 इंच हो गया हम लोगों का। इसको काट कोने में बिल्कुल मार्किंग कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर जो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो हम लोग 13 इंच 2 सूत लगाए थे, तो यहाँ बॉडी पे भी 13 इंच 2 सूत मार्किंग कर लेंगे। अब आपको दिखा देते हैं नीचे भी। ये देखिए दोस्तों, इसको भी 13 इंच 2 सूत मार्किंग करेंगे हम लोग। और इसको भी काट कोने में मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। आप देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे जो मार्किंग की, आप देख सकते हैं मोड़ी का,
तो इस साइड से जो है अपना जितना वहाँ पे होल्स किए हैं उसी हिसाब से मार्क किए हैं, आप देख सकते हैं 3.5 इंच पे जो है यहाँ पे मार्किंग किए हैं, ये देखिए 3.5 इंच, और ये है हमारा 13 इंच 2 सूत। तो यहाँ पे भी हम लोग जो होल्स किए हैं वो मार्किंग आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए 13 इंच 3.5 इंच वहाँ पे है, उसके बाद 13 इंच 2 सूत यहाँ पे। अब हमको क्या करना है जो है दोस्तों, जितना भी आपको ग्रूविंग करना है जैसे कि आपको बताते हैं, तो दोस्तों आप देखिए हम लोगों को जो है कम से कम यहाँ पे दो एम एम ग्रू रखने वाले हैं। तो 2 mm का हम एक पट्टी ले लिए हैं, देखिए 2 एक्रेलिक शीट ले लिए हैं दोस्तों, थोड़ा ये ज़्यादा है 2 mm से। तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क रखेंगे इसको, और उसके बाद टेप से यहाँ से इसके जो होल्स रहता है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये 6 mm का एक फ्री होल किए हैं, बिल्कुल जो इसके सेंटर तक हम लोग मार्किंग यहाँ तक चेक करेंगे, जितना भी आएगा बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे भी एक कीला मार के एक पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद इसको सेट करेंगे। चलिए आपको सेट करके दिखाते हैं हम। तो दोस्तों अब हम आपको सेट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये ड्रावर था दोस्तों, इसमें हम लोग होल्स कर लिए हैं, आपको नज़दीक से दिखाए हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह का एक पीस लेना, जितना भी आपको ग्रूविंग रखना है ऊपर की तरफ से उतना का एक पीस लेंगे, और देखिए इसको हम ऊपर टच कर देते हैं यहाँ पर, और इसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको जो होल किए उसके सेंटर बीचों बीच तक आपको मार्किंग जो है पकड़ना है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है ये 4 इंच 3.5 फुट बता रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्किंग हो चुका है आप देख सकते हैं, तो ऊपर की तरफ से हम लोग किए हैं, तो इसमें जो है ऊपर की तरफ से हम लोग मार्क करेंगे। अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ से हम लोग इसको मार्क करेंगे सेम टू सेम 4 इंच 3.5 फुट, और यहाँ पे भी है 4 इंच 3.5 फुट, दोनों तरफ हम लोग मार्किंग कर लिए हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए आपका जो स्क्रू रहता है ये देखिए स्क्रू है, इससे एक छोटा सा हम इसमें होल कर लेंगे, निशान मार लेंगे, ताकि जो है जब हम इसका स्क्रू मारें तो इसी पॉइंट में जाके वो फंस जाए। ये देखिए यहाँ पे भी कर लेते हैं, अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने दो यहाँ पर निशान मार लिए हैं, आप देख सकते हैं एक यहाँ पर जो है, उसके बाद जो है एक यहाँ पे भी कर लिए हैं। तो दोस्तों अब देखे हैं किस पे हम लोग निशान मार चुके हैं, अब अपना जो ड्रावर है उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद जो है जो हम लोग होल्स किए हैं इसका जो निशान का मार्किंग किए हैं उसी होल्स में जो स्क्रू फंसा के स्क्रू टाइट कर देंगे, तो अपना जो बॉडी है पूरा सेट हो जाएगा। अभी हम आपको सेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए ये निकल चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि अब आप देखेंगे ये वाला जो हमारा है यहाँ पे जो होल आया ये वाला, इसमें जो है हम फंसा देंगे, तो इसको आप देख के भी फंसा सकते हैं। और तो दोस्तों निशान बनाने के बाद अब आप देखेंगे जो हम लोग इसमें जो स्क्रू यहाँ पे रोके हैं, तो अगर हम ड्रावर को आगे पीछे करेंगे तो ये नहीं जाएगा, देखिए स्क्रू जो है उधर उधर है, देखिए जब आपको लगता है कि ये उसी होल्स में फंस गया है तो आपको बीचों बीच जो है इसको टाइट कर देना, एकदम बीचों बीच टाइट करना है दोस्तों, और यहाँ पे भी उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको चलिए फिक्स कर देते हैं, तो ये देखिए इसको स्क्रू को आपको बीच में कर लेना है जैसे कि सब तरफ से फ्री रहे थोड़ा सा, ये देखिए ये हो चुका है, अब देखिए बिल्कुल फ्री है ये, और वीडियो बना रहे हैं इसलिए टाइम जा रहा है, लेकिन कभी भी करना है कहीं भी करना है बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। अब इसको टाइट करके आपको दिखाते हैं, ये हमारा इस तरफ का हो गया दोस्तों। अब जो है दूसरा वाला जो हम लोगों को स्क्रू टाइट करना है वो भी हम टाइट करके दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा दूसरा स्क्रू है इसको भी जो है यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे और चेक कर लेंगे होल उसी होल में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जो बीचों बीच आया है, तो इसको भी टाइट कर देंगे हम यहाँ पे अच्छा से। तो आप देखेंगे दो स्क्रू हम इसको टाइट कर दिए हैं, अब चलिए इसको लगा के देखते हैं।
तो फ्रेंड आप देखेंगे हम लोगों का जो ड्रावर्स का मत्था सेट करना रहता था वो एक ही बार में जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए बिल्कुल जो है सेट हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं ग्रूविंग भी इसका दिखा देते हैं बराबर है। तो फ्रेंड आप देखेंगे ऊपर की तरफ हम लोगों का जो ग्रू है वो बिल्कुल जो बराबर है और बिल्कुल जो है आराम से आप सेट कर लिए। और अगर आपका ड्रावर अभी देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा ऐसा कम बता रहा आधा सूत तो आप इस तरफ उस तरफ कर सकते हैं, ये जाएगा। क्योंकि हम लोग जो अंदर की तरफ से यहाँ पे जो इसका फ्री होल का होल किए हैं दोस्तों उससे जो है थोड़ा इस तरफ उस तरफ आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से इसको फिक्स कर लिए हैं। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा फिक्स करना है वो भी हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो दोनों मोड़ी लगाना था यानी कि ड्रावर का जो मत्था रहता है वो हम लगा चुके हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि ये दोनों लग चुका है और किस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे का भी हम लोग लगा चुके हैं, ऊपर का भी लगा चुके हैं और इस तरफ से जो हम लोगों को बराबर करना था दोस्तों आप देख सकते हैं उसको भी हम लोग बराबर कर दिए हैं बिल्कुल। और कभी भी आप इस तरह से लगाते हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों ड्रावर का जो मोड़ी है हम लोगों को वो बहुत ही कम समय में हम लोग लगा के कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों है ना बहुत आसान तरीका। और इस तरह से कभी भी आप ड्रावर का मत्था होता है हो आप कभी भी कहीं पे भी सेट करना चाहते हैं तो आप आराम से आसानी से सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से कारपेंटर से जुड़ी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे कारपेंटर से जुड़ी सभी वीडियो आपको डिटेलिंग के साथ में मिलता है। वीडियो चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जैसा काम हो तो आपको डिटेलिंग के साथ में देखने को मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नीचे कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे उस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।